यहाँ चल रहा है फोटो शूट, अपनी ड्रेसेस पहनो और फोटो खिंचाओ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सोनल आर्ट्स एंड ब्लॉग्स। सो गाइज, कल हम जा रहे हैं घूमने हरिद्वार, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी मुझे पैकिंग भी करनी है, अभी पैकिंग नहीं करी, मैंने पूरा सामान फैला के रख दिया है बेड पे, और अभी हम पैकिंग करेंगे फिर अच्छे से, फिर सो जाएंगे, जल्दी सोएंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। फिर हम जाएंगे हरिद्वार, हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी जा रहे हैं साथ में, तो खूब इंजॉय करने वाले हैं गाइस। ब्लॉग पर बने रहना, एंड तक खूब मज़ा आएगा। चलो फिर दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या फैला दिया है। ये अभी सारी पैकिंग करनी है मेरे को, और मैंने सब कुछ फैला दिया, अभी सब कुछ बैग में डालूंगी, पैक करेंगे, पैक कर दूंगा मैं। तो अभी हम जल्दी से पैकिंग करते हैं और फिर सोते हैं। हाँ, अपना जो वैसे किचन का काम है फिनिश कर लो, मेरे को बैग दे दो, मैं पैक कर देता हूँ तब तक। ठीक है, मेरी हेल्प करा देंगे, जल्दी काम हो जाएगा। चलो करते हैं पैकिंग स्टार्ट। सो गाइस, आज है नेक्स्ट डे, हमारा जो सामान है ऑलमोस्ट पैक है। ब्रेकफास्ट उन्होंने कर लिया, मैं करने जा रही हूँ। रास्ते के लिए पूड़ी आलू बना लिए हैं, जैसे इनके फ्रेंड आते हैं निकलते हैं। फिर ये हो गया हमारा सारा सामान पैक, अभी हम चलते हैं। अभी आप ये सामान रखाओ, फिर पानी ले जाएंगे ना। चलो भाई, हम तो हो गए रेडी जाने के लिए, तो मिलते हैं सबसे। हमें बैठना है वहाँ, मैं रोड ही क्रॉस नहीं कर पा रही। कल 15 अगस्त है ना, तो रश बहुत है आज। चलो ये रखा डिक्की में सामान। हेलो भैया। हेलो हेलो, रेडी है जाने के लिए? बिल्कुल रेडी है। चलो, ये है हमारी सवारी। चलो, ये है भैया की ब्रांड न्यू पंच, जो कि यहाँ से खुलेगी। हेलो हेलो भरो सारे, हेलो भाभी, जय गंगा मैया। चलो भैया, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो कहाँ है बेटा? हेलो बोल दो भाई। शर्मा जी, छोटे कहाँ पहुँच गए? काशीपुर। ठीक है, काशीपुर चीमा चराया आ गए। अभी लगवा रहे हैं फास्टैग, क्योंकि न्यू गाड़ी है, अभी तक फास्टैग नहीं लगवाया था, फास्टैग लगवाने गए हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हमने लिया है एक और ब्रेक, कुछ खाते हैं फिर चलते हैं आगे, एंजॉय करेंगे खूब सारा। ये बहुत कम बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो गाइस, अभी रास्ते में रुके हैं, थोड़ा फोटो शूट हो जाए। थोड़े हाथ पैर सीधे कर लें। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ज्यादा, अंदर तो पता ही लग रहा था। पर ये हमें ना रास्ते में फ्लावर्स बड़े अच्छे लगे थे, तो हमने सोचा यहाँ फोटो ले लेते हैं, थोड़ी सी फोटो शूट करते हैं। गर्मी बहुत। गाइस, मेरे को तो गॉगल्स लगाने पड़ गए, मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। हो गया हमारा फोटो शूट बाहर, वो भी रोड पे, हमने रोड पे फोटो शूट किया। हम चलते हैं फिर से अपने सफर पे हरिद्वार। अब हम लेने लगे हैं लंच ब्रेक, हमें बहुत जोर से लगी है भूख, अब खाते हैं आलू पूरी। ठीक है, थोड़ा सा खाना खाएंगे, एनर्जी आएगी, तभी हम आगे जा पाएंगे। चलो भाई, लगा के और मंकी आ गया, आ गया, आ गया, इनके पास मंकी आ गया। लंच ब्रेक तो कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि बंदर आ गए, बहुत सारे मंकी थे यहाँ, हम तो डर के मारे अंदर ही आ गए। हमने कहा हमें नहीं खाना, भाग भाग के कहाँ कहाँ से मंकीज आ गए इतने सारे, हमें तो डर लग गया भैया, हम नहीं खा रहे अभी, है ना। हरिद्वार चलिए, हम ऐसी जगह घूमेंगे, आप लोग देख जाओगे, मजा आने वाला है। और अब मुझे उल्टी टिप्पण देख के, और हम जब लोग बोरे बोरे दिख रहे छोटा सा।
सो गाइस हम जाने लगे हैं चंडी देवी मंदिर, इस पे जाएंगे ट्रॉली पे, वी आर वेरी एक्साइटेड। चलो भाई चले फटाफट, कार पास करो, चलते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रॉली में बैठने वाली हूँ। आप भी? थर्ड, तीन साल की है, नहीं थर्ड टाइम। ट्रॉली पे चले गए थे। नहीं, मैं थर्ड, मतलब मैं तीसरी हूँ जो बैठने वाली हूँ। अच्छा, मुझे लगा मैं थर्ड टाइम बैठने वाली हूँ। मेंबर में थर्ड मेंबर है चंडी देवी उड़न खटोला। शर्मा जी, हो सकता है जिंदगी में कभी हेलीकॉप्टर में ना बैठे। हमारे लिए तो यही है, हमारे लिए और ये हमारे लिए, ये हमारी मर्सिडीज है, वो हेलीकॉप्टर है, और क्या है ना। हाँ, सही है, मर्सिडीज से कम थोड़ी, ये हम सबकी कार है। चलो भाई चले मंदिर मत्था टेकने चंडी देवी के। यहाँ पार्किंग में लगा दी हमने कार। चलो भाई शोर है, गाड़ी के पास कौन रहेगा? गाड़ी के पास ऐसे थोड़ी रह सकते हैं। हाँ, गाड़ी के पास तो किसी को रहना पड़ेगा। अंशु और इनको, छोटी वाली गुड़िया को, दोनों को छोड़ जाते हैं, ठीक है यहाँ पे। ठीक है, हम जाते हैं मत्था टेकने, फिर वापसी में ले लेंगे। तुम यही खड़े रहना, तो वो डर जाएगी। देखो सफेद धूप है, गोरी हो जाओगी आप। यहाँ से हमने लेनी है ट्रॉली की टिकट। ये ट्रॉली की टिकट ले रहे हैं, फिर हम जाएंगे ट्रॉली में। देखो कितनी भीड़ है। कंबाइन फेयर है ना, जो सिंगल चंडी देवी 195 रुपीज है, चंडी देवी प्लस मनसा 324। केवल चंडी देवी यहाँ चल रहा है फोटो शूट। अपनी ड्रेसेस पहनो, फोटो खिंचाओ। यहाँ है वेटिंग चल रही है मत्था टेकने के लिए, क्योंकि हमें ट्रॉली में जाना है ना, ट्रॉली में काफी वेटिंग चल रही है 2 घंटे की, तो हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। घूम घूम के लाइन है, कितनी लंबी लाइन है ट्रॉली में जाने के लिए। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी करो, ट्रॉली जा रही है, हम भी उसी में बैठे जाएंगे। अभी हम इसमें बैठेंगे, बैठ जाए। दिल बहुत रहा यार, बैठ गए ट्रॉली में गाइस। निकालना कहीं फोन ही नीचे गिर गया, पकड़। ये देखो पीछे से ट्रॉली आ रही है, पीछे साफी आ गया। अब हाइट में थोड़ा, वाओ नीचे देख लो, डर लग रहा है, नीचे मत देखो ऐसा, हां डर लग रहा है। कितना मजा आ रहा है यार, देखो भाई साहब, हम तो नहीं देख रहे, आप देखने वाले देख लो। टिकट है 194 एडल्ट है, और उसकी चाइल्ड की थोड़ी कम है। तो नहीं, मेरे को पर डर बहुत लग गया था। व्यू देखने लायक है, बड़ा भयंकर पहाड़ है, काफी हाइट पे आ गए। पता नहीं लोग पैदल कैसे आ जाते होंगे यार, बेचारे उनकी भी मेहनत है, उनका रास्ता चंडी देवी मंदिर। हम वहां जा रहे हैं ट्रॉली में बैठ के, इसीलिए तो रही, ठंडा रहेगा मौसम, नीचे तो सब पेड़ काटते जा रहे हैं। यहाँ आ गया हमारा स्टेशन, अब हम यहाँ उतरेंगे। लैंडिंग हो रही है हमारी, लैंडिंग। चलो भाई उतरो, तो ऐसे हिल रहा है ना, बैठ के लाइफ में फर्स्ट टाइम बैठी ट्रॉली में, वाह मजा आ गया सच्ची। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा, मुझे हाइट से डर नहीं लगा इतना, मैं खूब एंजॉय किया। अभी फिर जाएंगे मत्था टेक के वापस, मत्था टेकने चले। Thank you.
सीढ़ी चलनी पड़ेगी हमें क्योंकि यहाँ पर थोड़ी भीड़ हो जा रही है ना, यहाँ सांप सीढ़ी चलना पड़ेगा। अभी और ऊपर है पौराणिक सिद्ध स्थल लगाओ यार जयकारा को। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा चंडी देवी का बोल सच्चे दरबार की जय। ट्रॉली में भी चलेंगे, अभी ट्रॉली में भी चलेंगे। पर मेन मंदिर की वीडियो नहीं बनाने दी गई, मना कर दिया गया। वहाँ पर लिखा भी हुआ था कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मेन काम था दर्शन करने, वो हो गया। तो वहीं रख अंदर से नीचे उतरते हुए दर्शन करके, ये भी कोई मेन स्थान है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। गौशाला के लिए या भंडारे के लिए। मैंने अभी भी यहाँ से टीका लगवाया ओम का। चंडी माता के मंदिर में अब नीचे उतरते हैं, चार मंदिर हैं। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। वापस जा रहे हैं मत्था टेक के नीचे, फिर हम अपने स्लीपर्स वगैरह पहनेंगे, फिर दोबारा हम जाएंगे अपने उड़न खटोले पे। आज के तीन पैकेट हैं भाई, ले लो भैया। मालाएं मिल रही हैं, माला कड़े अलग अलग प्रकार की बहुत दुकानें हैं। देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना यहाँ। हम मंदिर अच्छा छोड़ के आए यहाँ से, चंडी देवी मंदिर। ये नीचे से ना जब पैदल आने वाली रोड है, इधर से अच्छा जो रास्ता आ रहा है ना नीचे, ये सारा पैदल आने वालों का। वो व्यू बहुत प्यारा भाई। तो गंगा जी है उधर, पूरा शहर है पूरा। एकदम ही मौसम चेंज हो गया है यहाँ पे, तेज हवा चलने लगी है। अब और मजा आएगा हरिद्वार में, एकदम ही मौसम चेंज हो गया। अभी तक धूप से तेज हवा चलने लगी है, एकदम ही बहुत तेज आंधी सी आने लग गई है। सब कुछ गया, वो बाबरे बड़ी तेज आंधी आ रही है। अंदर अंदर देवी मंदिर में ही है, अभी हम हरिद्वार भी नहीं पहुँचे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ गाइस, ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। वाव, पुल है गंगा जी के ना, इससे ऐसे कई पुल है यहाँ पे है ना। अभी गंगा जी में स्नान करेंगे। हर की पौड़ी ये वाली जो नीला वाला पुल है। हाँ हाँ। ये वाला हर की, और वो मनसा देवी, वो मनसा देवी। हाँ देखो कितनी आधी से भी कम ऊंचाई है वहाँ की। गाइस वो देखिए, वो है मनसा देवी। वो कहते हैं अंजनी देवी माता के मंदिर, जो कि हनुमान जी की माता जी है। चंडी देवी मंदिर में ही है उनका मंदिर, थोड़ा सा चलना पड़ता है। काफी चढ़ाई थी गाइस यहाँ, चढ़ के आए हैं हम चढ़ाइयाँ। चढ़ाई तगड़ी थी। हाँ थोड़ी है पर है तगड़ी। मौसम हो गया बहुत खराब, बारिश चालू हो गई है, बहुत बारिश होने लगी है।